मुंबई के खार में स्थित विभाग नंबर 10 में बनासकांठा गुजराती रूखी समाज की तरफ से श्री बाबा रामदेव पिराची के 50 वर्ष पूरे होने पर भव्य पालकी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ श्री बाबा की भव्य पालकी निकाली गई। इस मौके पर श्री धनजी भाई धर्माभाई पुरबिया, सुरेश भाई, राजू भाई, हरी भाई मकवाना, लालजी भाई विशेषकर मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने इस पालकी महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। रामदेव की पालकी है, वो पालकी हमारे पूर्वजों ने आज से 50 साल पहले शुरुआत की थी, जिसमें हमारे धनजी भगत साहब, हमारे पंच पटेल मणिलाल कंजदास राठौड़, हमारे रूपा माधु अंकल जी, हमारे लखा काका, हमारे मूलजी काका, ये दरेक पूर्वजों ने, सभी पूर्वजों ने हमारे ये पालकी की शुरुआत की थी आज से 50 साल पहले। और आज हमारा अहोभाग्य है, हम अपने आप को नसीबवान मानते हैं कि ये जो पालकी है आज हमारे पूर्वजों ने जो शुरुआत की थी और हमारे नेतृत्व में हमारे यहाँ के कमेटी, जो हमारे खार समाज है, बनासकांठा रूखी समाज के कमेटी के नेतृत्व में ये पालकी की जो आज हमारी भव्य नियुक्ति हुई, इसलिए आज हमारे यहाँ के सभी बॉम्बे चर्चीगढ़ से लेके विरार के आए हुए सभी मेहमानों का और यहाँ पे रहने वाले सभी भाइयों बहनों का हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो ये पालकी में बहुत ही एकजुट होके जिन्होंने हमारे एक विश्वास को हमारे, आज आप देख रहे हो यहाँ बॉम्बे के अंदर आज लगातार एक हफ्ते से बारिश की इतनी भयंकर शुरुआत हुई, लेकिन आज हमारे जब भी हमारे बाबा रामदेव की पालकी निकली तो हमने देखा एक साक्षात जो पीर है जोधपुर के अंदर जिनका समाधि है, आज हमने ये किसी देवी देवता का हमने समाधि नहीं देखा, लेकिन हमारे पीर की समाधि है जोधपुर के रणुजार गांव में, आप सभी देख सकते हैं। और आज ये हमारे जो पालकी ये साक्षात पीर है और हमने देखा, आज आप देख सकते हो सभी कि बारिश रुक चुकी है और हमारी पूरी पालकी पूरी घूम के आने तक बारिश का एक भी छाटा, पानी का एक भी बूंद आसमान से गिरा नहीं है। ये हमारे बाबा रामदेव पीर का एक चमत्कार है और मैं आए हुए सभी भक्तगणों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे केशव भाई दलपतर राठौड़, सुरेश भाई, हमारे भगवान भाई सोलंकी, हमारे राजू भाई मकवाना, हमारे लालजी भाई डाया, हमारे जयंती भाई, हमारे केतन भाई, हमारे श्याम भाई, हमारे किशन भाई, हमारे महापंचायत के, हमारे बड़ी समाज के हमारे आए हुए, हमारे डाया भाई, हमारे दूधा मामा, हम उन सभी का मैं अपने अध्यक्ष के नाते उनका तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ। और आज आप देख सकते हो कि एक चमत्कारी है कि जब भी पालकी निकली और पालकी अंदर आई, इसके बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे की एक रुकावट बारिश की, आप देख सकते हैं एक चमत्कार है। और हमारे ये बाबा रामदेव पीर का चमत्कार है और हम हमारे बाबे रामदेव पीर को हमें तहे दिल से हम धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हम पाना चाहते हैं कि बाबा रामदेव पीर सभी का, हमारे आयो सभी का भला करे, उनको हमेशा सुख शांति दे, यही हम अपने समाज की ओर से। बनासकांठा गुजराती रूखी समाज खार विभाग नंबर 10 में जो श्री बाबा रामदेव पालकी 50वां
वर्ष का पालकी महोत्सव था, उसमें जो चर्च के से लेके विरार तक के लोग, हमारे समाज के रुखी समाज के लोग हमारे साथ जो खार की पालकी में सहकार दिया, साथ और सहकार दिया, इस बदल हम खार की समाज उनके सही दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं। और आज हमें एक 49 ईयर्स हमारे जो पूर्वजों ने किया हुआ था वो 50वां वर्ष हमारे नसीब में आया, और आज सुबह से लेकर दोपहर तक ऐसी बारिश थी कि हम हमारे खार की बाबा रामदेव पीर की जो मूर्ति है उसमें साक्षात हमको एक तजुर्बा हुआ कि राणू जी में तो रामा पीर है पर आज खार में भी रामा पीर है। ये हमको आज गर्व हुआ कि हमारे बाप दादा ने जो किया था हम बच्चे आज किया, और ये मूर्ति आज हमको हमारे पूरे जो नौजवान भाई को बता देते कि आज के बाद हम रहे कि नहीं रहे, कि ये भगवान की मूर्ति और भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए खार में। और आप लोग जो एक सही दिल से कहता हूँ कि ये सत्य और सच्चाई है कि साक्षात भगवान रणुजा से लेके रामदेव पीढ़ा से यहाँ रामा पीर हमारे खार में आए, और हमको ये जो इतनी जनमित्री जो आज देखने मिली खरोखर आज हमारा दिल छाती गदगद फूक गई कि हमारे सभी लोग हमारी बनासकांठा महापंचायत हमारे साथ और सरकार है, हमारे पुरुषोत्तम भाई जो पिछड़ी समाज के हैं प्रभु वो भी यहाँ पे साथ और सरकार, इतर समाज के लोग भी हमारे साथ, महाराष्ट्र के जो बोधी समाज वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमको आज दिल से हम कर सकते ये सब लोगों का सही दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं। और ये भगवान रामा भी के जोर से सब बोलेंगे जय, जो रणुजा में जाना चाहिए बोल रामा। मैं आज खार के अंदर बनासकांठा रुखी समाज महापंचायत का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, और मेरे शाखा नंबर 10 के अंदर हमारे धुरंधर कार्यकर्ता धनजीभाई पुरबिया साहेब प्रमुख श्री, और उसके साथ उप प्रमुख श्री हमारे राजू भाई, और इनके सभी कार्यकर्ताओं जो आज आप देख रहे हैं चर्च गेट से विरार तक सभी समाज के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। और इतनी मेदनी आज जो 50 साल पहले हमारे मणिलाल साहब राठौर करते थे उनके चरणों के साथ उनके उद्देश्य के साथ आज वो लोग कर रहे हैं, और इतनी बड़ी आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, और इतनी बड़ी समस्या उन्होंने जो कि इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी बहुत शांति से आज 4-5 घंटे से पूरा यहाँ माहौल तैयार होके आप आज खाने पीने की व्यवस्था बैठने उठने की सभी व्यवस्था इन दोनों अध्यक्ष और कार्यकर्ता ने उनकी कमेटी ने की है। ये सभी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाबा रामदेव पीर की बहुत बड़ी एक आशीर्वाद है जो आज रामा पीर के वहाँ जो बारिश की बहुत से तीन चार दिन से गिर रहा था, लेकिन आज उन्होंने मेहर रखा है, आज बारिश रुक गई है, और ये सब लोगों का दिल जीता है। और आज रामा पीर की जय बोल के मेरा दो शब्द पूर्ण कर रहा हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र, बोल रामा पीर की जय। ओके, यहाँ पर हमारे खार के अंदर हमारे समाज का जो ये बहुत बड़ा हम लोग इसको उत्सव मानते हैं, क्योंकि ये हमारे आराध्य देव है, और गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि यहाँ खार में 50 साल से इसी तरह से यही उत्साह में यही खुशी में मनाया जा रहा है। आज भी ये बच्चे लोग जो मना रहे हो आप देख रहे हो, इसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और हम इसे बहुत मानते हैं, और ये सालों साल और आगे भी चलता रहेगा। और आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है ये आप देख के पता चल सकता है कि छोटे से बड़े से लेके हर लोगों के अंदर कितना उत्साह है, कि इतनी बारिश होने के बाद भी वही जोश के साथ बाबा रामदेव का नारा लगाते लगाते सब निकले थे, और हमारे हृदय में है और दिलों में है, और ये सदा रहेंगे। ये मैं मेरी यहाँ बनासकांठा समाज और ये जो सारे लोग यहाँ जमे हुए हैं मेरी समाज के लोग, उनकी तरफ से मैं एक ही बोलूँगा कि जय बाबा रामदेव पीर की जय। बोलो रामा पीर की जय। भगवान की जय।